अब रुख करेंगे जफरवाल का, जहां मवेशी मंडियां सज गई। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान तू तकरार भी जारी है। तफसीलात राना अली रजा की रिपोर्ट में। जफरवाल में कुर्बानी के जानवरों की मंडी सज गई। मंडी में जानवर अनगिनत लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी नॉर्मल जानवर के 1.5 से 2 लाख रुपए जबकि तगड़े जानवर के 3 से 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। सुबह के आए हुए हैं हम मार्केट में, अभी जानवर देख रहे हैं। व्यापारी हजरात जो है वो जानवर के दुगने पैसे मांग रहे हैं। व्यापारी हजरात का कहना है कि हमने सारा साल मेहनत करके पाला है, हमें इनके अच्छे दाम मिलने चाहिए। महंगाई के दौर में जानवरों को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मंडी में आए खरीदारों का कहना है व्यापारी जानवरों के दुगने पैसे मांग रहे हैं। ख्वाहिश है कि मुनासिब दाम में अच्छा जानवर मिल जाए। काफी देर से मार्केट आए हुए हैं लेकिन अभी तक जानवर कोई खरीदा नहीं है क्योंकि जानवर महंगे हैं। हमारा जो है ना वो रेट बन नहीं रहा। गुज़श्ता कई महीनों से लॉकडाउन के बायस ग्राहक की कुव्वत खरीद भी कम हो चुकी है। कोरोना वायरस के बायस हमारी जिम्मेदारी है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाकर कुर्बानी के जानवर खरीदे। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के वक्त कोरोना वायरस से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही ईद अपनों में महफूज अंदाज में मनाई जा सकती है। कैमरामैन टीम के साथ रानाली रजा, रोज न्यूज जफरवाल।